जी सर, क्या कुछ घटना रही है यहाँ पर? घटना सर ये रही है, विशाल मलिक जो है वो मेरा भतीजा है जी, वो जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गया था, वो एक्सरसाइज करके वापस आ रहा था नजफगढ़ रोड से, तो आरटीवी जो है उत्तम नगर की ओर से आ रही थी, क्योंकि उसकी और विशाल की आरटीवी वाले से कुछ कहासुनी हुई, आरटीवी के ड्राइवर से विशाल की। अब जिसमें कि वहाँ से आरटीवी वाला जो है वो विशाल के पीछे लगा, तो नांगलोई मोड़ पे आके विशाल अपने घर की साइड जैसे मुड़ा, तो यहीं से वो आरटीवी वाला मुड़ा, जो कि आरटीवी यहीं से नांगलोई मेट्रो स्टेशन के नीचे से बन के चलती है उत्तम नगर के लिए, तो उसने विशाल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। विशाल उससे ये बोला, भाई क्या कर रहा है? उन्होंने 8-10 जनों ने उतर के आरटीवी में से विशाल के ऊपर हमला किया और विशाल की बाइक को तोड़ दिया। मैच घटना से 200 मीटर की दूरी पर नांगलोई थाना है सामने, विशाल नांगलोई थाने में सीधा भाग के आया, जो कि आईओ साहब हैं मलिक साहब, मुकेश मलिक साहब आईओ हैं, उनके पास आया, उन्होंने रिपोर्ट लिखी विशाल की कि भाई कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने मुकेश मलिक साहब से, विशाल ने कहा कि अंकल वो 8-10 बंदे वहीं मौजूद खड़े मौके पे और बाइक मेरी तोड़ दी, मेरी बाइक उठवा लो वहाँ से। तो आईओ साहब ने उससे ये कहा कि भाई हमने तेरा ठेका नहीं ले रखा अच्छा बाइक उठाने का, अपने आप उठा के ला। तो ये जो मरने वाला बच्चा है विशाल मलिक का छोटा भाई है साहिल मलिक, तो साहिल मलिक यहाँ मौजूद खड़ा था, एक भतीजा और खड़ा था हमारा नदीम मलिक। तो विशाल ने दोनों को उनको ये कहा भाई जाओ तुम उठा लाओ बाइक। तो साहिल मलिक और नदीम मलिक जब बाइक उठाने के लिए गए मौके पे, तो वहीं वो बंदे खड़े हुए थे दोबारा से हथियार लेके, इनके जाते के साथ ही उन्होंने इनके ऊपर हमला किया चाकू से इतने वार किए जो कि साहिल मलिक की वहीं हत्या हो गई जी। बिल्कुल सर, यही हुआ है, पुलिस का इसमें फेलियर है सर जी। कैसे फेलियर है पुलिस का इसमें? सर जब वो पुलिस ने वो बंदा उनसे मदद मांग रहे गया और फिर पुलिस ये गिरी है कि आप अपनी बाइक खुद उठा लाओ, और वो बंदा जाता है तो उसके साथ ऑन द स्पॉट की डेथ हो जाती है। अंगूर खा रहे थे सर बैठे हुए अंदर। अच्छा।